What's up guys, good morning and morning from Goa and मैं निकल रहा हूँ घर के लिए. Time check, it's 6:48 in the morning. Mumbai Rider Clubs, वो लोग अभी भी सो रहे हैं, वो लोग निकलने वाले हैं around 9 o'clock. So मैं निकल रहा हूँ 2 घंटे पहले and वो लोग लेने वाले हैं different route, मैं लेने वाला हूँ different route. Hence मैं निकल चुका हूँ. And what a lovely morning. So I am planning to take again the old Goa route. जो दिखा रहा है 547 किलोमीटर and 6:30 ETA दिखा रहा है, तो 6:30 तो अराउंड 12 घंटे में पहुंच जाना चाहिए. वही अगर दूसरा रूट लेते हैं तो 13-14 आवर्स लगता है और ब्रेक के साथ में 15 घंटा हो जाएगा. एंड IBW इवेंट वॉज अ बिग सक्सेस, सो थम्स अप टू IBW. एंड बहुत 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 ही मज़ा आया, सुपर था इवेंट. एंड हर साल आने का मन करेगा. दैट रोरिंग साउंड ऑफ द मशीन, दैट सुपर बाइक, नॉर्मल बाइक, बाइकिंग ब्रदरहुड, पार्टी, म्यूजिक, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था. और मैंने पेट्रोल फुल करा लिया है यहाँ पे 97 रुपीज था पेट्रोल, तो अराउंड 10 रुपये का फर्क पड़ा है. एंड वी आर ऑन द हाईवे, ये स्ट्रेट रास्ता जाता है मुंबई, सीधा 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 सीधा. सो लॉट ऑफ बाइकर्स गोना गो होम टुडे. मुंबई पुणे बहुत सारे बाइकर्स मिलेंगे, काफी लोग निकल भी चुके रहेंगे, काफी लोग निकलेंगे अभी. तो फाइनल बाय गोवा को कहते हुए मिलते हैं वापस नेक्स्ट टाइम. सी वन मोर ग्रुप हेडिंग टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन. 5 बाइकर्स है एंड फॉर्मेशन में चल रहे, काफी मजा आ रहा है देख के उनको. एंड वी हैव अ ट्रायंफ एज वेल. वाह. और मैं रूट लेने वाला हूँ गोवा, कुडाल, राजापुर, रत्नागिरी, चिपलून, पेन, पनवेल, मुंबई. फ्यू मोर फेलो बाइकर्स, मुंबई की पब्लिक है, लेट देम गो, लेट देम गो. GS का ग्रुप है शायद, BMW. द गोवा बॉर्डर, फाइनल 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 बाय टू गोवा. वेलकम टू महाराष्ट्र. लॉट ऑफ बाइकर्स कमिंग ऑन द वे, आपको दिखा दो. ग्रुप है, ये बंदा अलग है, मैं अलग हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ग्रुप में राइड कर रहे हम लोग. अगेन विद अनदर ग्रुप, तीनों अलग थे बंदे, लेकिन मजा आ रहा है साथ में चलाने. मतलब थोड़े थोड़े पैचेस पे चला रहे. आगे वाला 390 है, पीछे वाला 1000 है निंजा. क्विक अपडेट, गोवा से 200 किलोमीटर तक स्ट्रेट लेन रास्ता है, और फिर उसके बाद में लांजा के 12 किलोमीटर पहले सिंगल लेन स्टार्ट होता है जो कि ये है. बट रास्ता अच्छा है, हल्का हल्का पैच है जहां पे थोड़ा ऑफ रोड टाइप है, अदरवाइज द रोड कंडीशन इज टॉप नॉट. होते होते हुए बच गया अभी, ये ट्रक वाला सीधा आ गया था. रॉन्ग वेला है तो सेम हुआ था मेरे साथ उत्तराखंड में. मैं मेरे लेन में चल रहा हूँ
और ये बाजू ट्रक है और इधर से भी ट्रक आया फुल स्पीड में। मैं उसको पास लाइट दे रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ रुकने के लिए, रुका ही नहीं। मैंने रोका, एंड में वो एकदम मेरे पास आके रोका। मेरे पास जगह भी नहीं थी लेफ्ट में जाने के लिए। अगर वो नहीं रोकता तो चढ़ा डालता था वो। तो ऐसे रैश ड्राइवर से थोड़ा, देखो ये भी देखो, ऐसे आपको रास्ते पे बहुत मिलेंगे, आपको सेफ चलाना है। एकदम ही नसीब खराब रहा आपका तो गेम हो सकता है, बट वो 0.1 चांस है। 340 किलोमीटर लेफ्ट, 630 का ETA दिखा रहा था सुबह जब निकले थे, अभी ETA दिखा रहा है 552। मतलब ये ब्रेक में कवर हो जाएगा, मतलब बराबर अपन 630 पे पहुंचेंगे। ऑन शेड्यूल है अपन, बराबर ETA के हिसाब से 630 तक पहुंचना चाहिए विद ब्रेक्स। वो विदाउट ब्रेक दिखा रहा था लेकिन मैं कवर कर रहा हूँ विद ब्रेक्स के साथ में, तो मस्त जा रहा है। पेट्रोल भराया जाए, पेट्रोल भरा, चो हवा भरा लेते। केदारनाथ के बाद अभी भरा रहा हूँ हवा। पार्टी करूँ 36 करूँ? अंकल हैंडीकैप्ड है। पेट्रोल भराया, हवा भराया और आगे निकल रहा अभी। सो होटल शिव सागर पे चिपलून में स्टॉप किया है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। सुबह से नॉन स्टॉप चला रहा था, 265 किलोमीटर लेफ्ट, तब ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर चला लिया 5 घंटे में नॉन स्टॉप। राइट, सो नाश्ता करके हो गया, मैंने इडली वड़ा एंड मसाला डोसा खाया और उस पर एक थम्स अप तो बनता है नींद ना आने के लिए। अब मैं कंटिन्यूस खींच सकता हूँ, देखते जितना होता है उतना चला लूँगा, फिर एक ब्रेक ले लूँगा। लुक एट द लैंडस्केप, अमेजिंग रोड, ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे, जिसने भी बदनाम किया है गलत इंफॉर्मेशन है। बहुत ही अच्छा रास्ता है, हल्के हल्के पैचेस है खराब, और दूसरी चीज सिंगल लेन है कांपे कांपे, बट टामेक रोड ही आपको दिखेगा। आगे पनवेल के बाद में 30 किलोमीटर का पैच खराब है बस, बाकी पूरा रास्ता अच्छा है। बाय द वे फास्टेस्ट रूट बताता है, महाबलेश्वर यहाँ से लेफ्ट मार के यू टर्न मार के जाना है मुंबई पनवेल सीधा। एक शुगर केन जूस पिया जाए, ते बाइक वाले गिर जाएंगे, बनाना फेंका आपने, वो बनाना खा रहा है और उसका छिलका बाहर फेंक रहे। कितने बाइक वाले चल रहे, बाइकर्स भी है बहुत सारे, गिर जाएंगे वो लोग। मेरा टॉप बॉक्स गिर गया यार, धाड़ करके आवाज आया। हाँ नट पड़ले, कुठे है बनवायला, काय कुठे है गैरेज, इतना है। ओके ये नट निकल गया है, गिर गया नट, उसकी वजह से वो गिर गया। ये दो पे ही कनेक्टेड, इस पे कनेक्टेड था और ये भी पूरा गया, डंडी भी पूरा गया। टॉप बॉक्स अच्छा है। ओके टॉप बॉक्स भी बाहर आ गया। जुगाड़ लगाते हैं, इमेज 0 कौन सा है, ये इमेज 01। माझा टॉप बॉक्स है ना पडला है, म्हणजे ते सामान ठेवतो ना ते तुटलंय। तुम्ही मुंबईला राहतात, कुठे राहतात, दादरला, तर माझा मी बॅग तुम्ही ठेवू शकता का, माझा सामान आहे, कपडे आहे कपडे, हा मी तुमच्या पाठी पाठीच राहतो ना, चालेल ना, पाठी घेऊ शकता तुम्ही। थैंक यू। ऑलराइट, सो हम्बल लेडीज, उन्होंने हेल्प किया है, दादर में रहते हैं। बहुत डेंजर टूटा यार, पूरा बॉक्स भी गया अभी वो। ओके सो सामान रख दिया है यहाँ पे,
और मला लोकेशन सांगा कुठे भेटायचे, मी भेटू देते। बहुत बड़ा कांड हो गया और बच गए टचवुड, किसी को चोट नहीं आई। कुछ गाड़ी पीछे थी नहीं वरना एक्सीडेंट हो जाता था। तो टॉप बॉक्स का तो लफड़ा है भाई। सो वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल और मेरा नसीब अच्छा था, एक बार में ही गाड़ी रुक गई हाथ दिखाते हुए। तो अच्छे बंदे मिले मुझे, वो फैमिली दादर में रहते है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैं बोला प्लीज मेरा सामान ले लो क्योंकि टूट गया है। तो दे टुक इट और आगे कोई बॉम्बे में कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे और वहाँ से मैं रिक्शा या टैक्सी में सामान डाल दूँगा और वहाँ से फिर आगे निकलेंगे। टॉप बॉक्स शायद टेढ़ा हो गया है तो वो एक नुकसान हुआ है। दूसरा नुकसान स्टिक है, वो पूरा टूट गया, जो कि 3000 का स्टिक आता है इंस्टा 360 का, वो पूरा टूट गया है। और वो लोग डर रहे थे के सामान में क्या है क्या नहीं, तो डरना भी ज़रूरी है, आजकल क्या क्या होता है कुछ भरोसा नहीं। वंस अगेन थैंक यू टू द लेडीज हु हेल्प मी। ऑलराइट, सो व्हाट आई डिड इज, जो आज ही लोग ने जो हेल्प किया था, अगेन थैंक यू सो मच वंस अगेन आज ही। और वो जा रहे थे दादर तो चेंबूर से, चेंबूर मेरे को जाना पड़ता। सो व्हाट आई डिड इज आई गॉट अनदर कार, उनसे मैंने हेल्प मांगी और उन्होंने भी हेल्प कर ली, बट इन्होंने सामान खोल के चेक करवाया, तो विच इज़ फेयर इनफ। मैं भी रहता तो मैं भी वही करता। वो बंदे रहते हैं गोरेगांव में, मेरे को हब मॉल के इधर मिलेंगे और वहाँ से मैं सामान ले लूँगा, फिर रिक्शा में डाल दूँगा सामान। हाँ तब कर दो मैं। थैंक यू सो मच, काय नाव तुमचं? आशीष भाऊ मी। थैंक यू। ओ रिक्शा रिक्शा, ये सामान पहुँचाने गए आगे रहता हो, तुम पीछे रहो। टाटा पावर, हाँ आगे लगा दो ना। हाँ टूट गया वो। आपका नंबर दे दो ना। ऑलराइट, तो आशीष भाई ने सामान दे दिया है, थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर डूइंग दिस फेवर टू मी। और रिक्शा भी मिल गया है, रिक्शा में सामान डाल दिया है और उनको लकीली एड्रेस पता है, सो वहाँ पे मिलेंगे एरिया के यहाँ पे, फिर वहाँ से मैं लेके जाऊँगा आगे। सो ऑल सॉर्टेड, ऑल गुड। ऑलराइट, सो बस 2 मिनट में अभी घर आ जाएगा, रिक्शा आगे है, सामान बराबर पहुँच जाएगा घर पे, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, सब अच्छे से हो गया, सब सही सलामत हो गया। अगर आपको आज का व्लॉग और ये गोवा की सीरीज अच्छी लगी, देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। 11:30-12 घंटे में विद ये कांड होने के साथ में घर पे पहुंच गए हैं ओल्ड गोवा हाईवे से। तो मेरा वर्ड एक ये रहेगा कि अगर आपको गोवा जाना है तो आप ओल्ड गोवा से जाओ, 10-10.5 घंटे में कवर हो जाएगा आराम से। और ये चाचा जो हेल्प कर रहे हैं अपने को, ठीक है। ऑलराइट देन, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन कीप वॉकिंग कीप स्माइलिंग, गुड बाय।